रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। राजस्थान में यहां हुई झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने दी ये चेतावनी। जयपुर प्रदेश के हिस्सों में बुधवार को बारिश हुई। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। राजधानी के साथ ही प्रदेश के करीब करीब सभी प्रमुख शहरों में दिन का अधिकतम पारा 2 से 8 डिग्री तक गिरा। प्रदेश में सबसे कम अधिकतम तापमान उदयपुर में 33.8 डिग्री रहा, जबकि सबसे अधिकतम तापमान चूरू में 43.6 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इससे पहले बुधवार को दिन भर राजधानी में बीच बीच में बादल छाए रहे। हालांकि तेज उमस ने लोगों को परेशान किया। 2.25 घंटे में 2.5 इंच बारिश, 12 में दोपहर बाद करीब 2 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। इससे सड़कें दरिया बन गई। 12 शहर में 2.5 इंच बारिश हुई। कोटा शहर में बीते 24 घंटे में शहर में 20.2 mm बारिश हुई। जिले के कनवास क्षेत्र में दोपहर बाद 20 मिनट बूंदाबांदी हुई। सांगोद, कुदनपुर, मोइकला में आधा घंटा बारिश हुई। मोडक, रामगंज, मंडी, इटावा में बादल छाए लेकिन बरसे नहीं। 12 में दोपहर 3.15 से 5 बजे तक 69 मिमी 2.5 इंच बारिश हुई। बारिश से स्टेशन रोड, विक्रम चौक, खाकी बाबा की बगीची में पानी भर गया। किशनगंज में भी बारिश हुई। रायपुर में 2.75, बसहाड़ा में 1.5 इंच बारिश, भीलवाड़ा में मंगलवार देर रात आधा घंटे झमाझम बरसात हुई। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। यहां 9 मिमी वर्षा दर्ज की गई। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई जगह पर मूसलाधार बरसात हुई। चित्तौड़गढ़ में हल्की बूंदाबांदी। चित्तौड़गढ़ में बुधवार दिन में हल्की बूंदाबांदी हुई और दिन भर अधिकांश समय बादल छाए रहे। इससे पूर्व मंगलवार रात बाद से हल्की बारिश हुई।